सी फाउंडेशन 2024 अगर आप कर रहे हैं अपियर तो ये सेशन होने वाला है आपके लिए इम्पोर्टेंट नेक्स्ट सेवन एट मिनट्स मुझे ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको डिसम्बर 2024 फाउंडेशन एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें हो जाए क्लियर दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर सीएमए दिशा दुआ और आप मेरे साथ लॉ पढ़ते हैं आप इसी चैनल पर लॉ सारी वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं और अपने आप को हंड्रेड तैयार कर सकते हैं फॉर योर आपकम examination so in case you haven't yet subscribed the channel now is the time to do so let's get going and understand the foundation examination details for your upcoming december 2024 examination aapka ye paper offline hone wala hai yes it's an offline omr based paper जो आपको center पे जाकर ja kar appear करना होगा 15 दिसंबर 2024 को आपका एग्जामिनेशन है जो कि एक संडे है एक ही दिन चारों पेपर हो जाएंगे इट इज एन एमसीक्यू बेस्ड पेपर यस दो स्लॉट्स में पेपर होंगे एक स्लॉट है सुबह दस बजे से दोपहर को दो बजे का दूसरा स्लॉट है दोपहर को दो बजे से चार बजे का आपको दो घंटे का ब्रेक मिलता है बिटवीन योर टू स्लॉट्स ओके तो फर्स्ट लॉट में पेपर नंबर वन और पेपर नंबर टू करने वाले हैं पेपर नंबर वन आप मेरे साथ ही पढ़ते हैं जो कि है बिजनेस बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन टोटल क्वेश्चन इंडिविजुअल सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे आपसे और दो नंबर पर क्वेश्चन कैरी करेगा फिफ्टी क्वेश्चन इन टू टू है ना इस तरीके से आपका सो नंबर का पेपर रेडी हो जाता है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर नंबर वन एंड पेपर नंबर टू फिनेशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फंडामेंटल्स अगेन पचास क्वेश्चन पूछे जाएंगे सो नंबर की ये आपका सुबह दस बजे से बारह बजे तक हो जाएगा पेपर अब पेपर नंबर थ्री एंड पेपर नंबर फोर आपका सेकंड स्लॉट में होगा दो घंटे का आपको ब्रेक दिया जाएगा फ्रॉम ट्वेल्व टू टू एंड एट टू पी अगेन स्टार्ट विथ पेपर नंबर थ्री जो कि फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है अगेन यहाँ पे भी पचास क्वेश्चन होंगे इंटू टू मार्क्स ईच तो इस तरीके से आपका सो नंबर का मैथ्स और साइस का पेपर रेडी हो जाएगा एंड पेपर नंबर फोर इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट इट इज अगेन फिफ्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंटू टू मार्क्स एनिगेट हंड्रेड मार्क्स पेपर एक दिन में चारों पेपर येस इट इज अ टास्क बट इफ़ यू आर रेडी तो कुछ भी पॉसिबल कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी पॉसिबल है येस पेपर क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स बहुत बहुत सारे नंबर आजकल स्टूडेंट्स यू नो केटर कर पा रहे हैं ले पा रहे हैं एट्टी फाइव नाइन्टी तो मैंने भर भर के नंबर देखे हैं आपके भी आ सकते हैं जस्ट दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ऑल द कंटेंट बिकॉज ये फाउंडेशन लेवल है जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतना ही हम सुंदर इमारत अपने सी में डिग्री जो हमको मिलने वाली है जो तीन नो no, अमूल्य या बहुमूल्य शब्द आपके नाम के आगे लगने वाले हैं लाइक टुडे आई प्राउडली से सी एम मे दिशा दुआ ऐसे ही आप भी अपने नाम के आगे वर्ड्स जोड़ पाएंगे बट नॉट ओनली फॉर द नेम से बट विद नॉलेज टू यस अब आपकी डिटेलिंग्स रिलेटेड टू फीस भी डिस्कस कर लेते हैं आपका फाउंडेशन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है आपको मेक श्योर sure करना है कि एक तो आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा था एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना है ठीक है जो कि लास्ट डेट है फिफ्टीनथ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर पंद्रह अक्टूबर के बाद कोई आपको नो ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है देर विल बी नो एक्सटेंशन इन द लास्ट डेट ऑफ द रिसीट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर मान लेते हैं आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा आपने फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर रखा है बट एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा फिफ्टींथ ऑफ अक्टूबर तक तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे सो मेक श्योर आप एग्जामिनेशन फॉर्म टाइम से भर लें ऑनलाइन भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली आप सेंटर भी चूज़ कर सकते हैं जो अगेन वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है कैसे फाउंडेशन फॉर्म भरना है ऑनलाइन भर सकते हैं आपको फी भी ऑनलाइन मोड से ही दे दी जाएगी और अगर आप चाहें तो एक थ्रू आई बैंक यू कैन ऑल्सो गेट अ चलान डन ओके okay, डिटेलिंग्स इस वेबसाइट पे अवेलेबल है डब्ल्यू 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 डॉट आई सी एम ए आई डॉट इन यहाँ पर आप वेबसाइट पे जाते हैं <coughs> आप अपनी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे इंस्टीट्यूट की mm. यहाँ पर जाकर यू कैन सिंपली गो टू द स्टूडेंट सेक्शन इन द एग्जामिनेशन सेक्टर सेक्शन फिल योर फॉर्म ठीक है आप फॉर्म भर लेंगे जाकर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन पेपर रहेगा ओ एम आर बेस्ड रहेगा दो मार्क्स के इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल फिफ्टी क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट में तो टोटल टू हंड्रेड क्वेश्चन हो जाएंगे और हंड्रेड मार्क्स आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का टोटल आ, जो रहेगा वेटेज रहेगा बट आपको कम से कम 200 नंबर लेकर आने हैं आउट ऑफ दीज 400 मार्क्स ताकि आप अपना फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर पाएं। ठीक है बाकी डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड पर मिल जाएगी आपको एंड अ कैंडिडेट एंड स्टूडेंट हुस जो ऊपर हमने भी डिस्कस करी है एज पर द रेगुलेशन विल ओनली भी अलाउड टू अपीयर द एग्जामिशन बाकी और कोई जरा एग्जाम नहीं दे पाएगा एग्जामिनेशन सेंटर्स की डिटेल आपको यहाँ दिख रही है इस uh, जो हमारे पास सर्कुलर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर मैंने आपके साथ शेयर कराया स्क्रीन पर इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड बाई योर सेल्फ वंस ओके okay, बाकी पढ़ाई करते हैं दोस्तों अब हमारे को हमारे को डिटेलिंग समझ में आ चुकी है एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने आपको बता दिया है एंड इफ़ यू वांट अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो कि कैसे फॉर्म भरना है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आई हेल्प यू गाइड दैट आल्सो ओके फॉर नाउ आई एल टेक यू लीव पढ़ते हैं गाइस लॉ की तैयारी करते हैं साथ मिलकर और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स में हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताइए इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली एंड ब्रिंग द बेस्ट फॉर यू ताकि आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाए मेरे मेरे साथ मेरे पास इस चैनल पर आपको लॉ की क्लासेस ऑल द यूनिट्स हंड्रेड परसेंट चाहे आपने कभी कहीं से कुछ नहीं पढ़ा हो तभी भी अगर आप पढ़ते हैं तो नाइन्टी प्लस मार्क्स अगर आपके आ सकते हैं जस्ट यू हैव टू स्टडी विद मी थर ओके अभी ले रही हूँ मैं आपसे अलविदा मिलते हैं जल्द ही बाकी क्लासेस और ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ सो फॉर नाउ एल टेक यू लीव दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर सी एम ए दिशा दुआ साइनिंग ऑफ डे बाय